غازی 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुम राजी हो अगर तो काई कबीले के सरदार अर्थुरुल से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं मैं। फिक्र तो हलीमा खातून को होनी चाहिए। जब उसका शौहर एक जवान और खूबसूरत लड़की से शादी करेगा तो उसका क्या होगा? इस मकतूब से तुर्गुत की वफादारी साबित होगी और यह वफादारी अर्थुरुल की मौत का बायस बनेगी। जो भी इसका जिम्मेदार है उसे उसके बिल से निकालकर गिरफ्त में लेकर अपनी हर एक जुल्म का हिसाब लूंगा इंशाल्लाह। तुर्गुत के बारे में मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो नहीं कहना चाहिए था, माफ कर दो मुझे। तुमने बहुत मेहनत की उसके लिए, अगर तुम ना होती तो वो मर जाता। काश के उसे मरने के लिए वही छोड़ देती मैं। वो मरेगा, मैं तुमसे वादा करता हूं मेरी बहन, तुम अपने हाथों से उसे मारोगी, लेकिन उससे पहले वो अर्तुरुल को मारेगा। खुशामदीद तुर्गुत भाई। शुक्रिया अब्दुल रहमान। अब तुम जाओ और अर्तुरुल भाई से कहो कि उनसे कोई मिलने आया है, बहुत ही जरूरी काम है मुझे उनसे। जल्दी जाओ। अभी जाता हूं। ये मेरे बाबा सुलेमान शाह की तलवार है। शामी फौलाद की है।
तलवार बनाने वाले की वजह से नहीं बल्कि उसे थामने वाले की वजह से बेशकीमत होने का बाइस होती है। ये तलवार मेरे बाबा सरदार यिनाल की मिरास है और ये भी शामी फौलाद से बनी है। मेरे बाद मेरे बेटे इसे इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है वो तलवार जिसने खुरासान से लेकर शाम तक इस्लाम के दुश्मनों के सर थड़ से अलग कर दिए। मैं इसे देख सकता हूं अर्तुरुल साहब? क्यों नहीं। इस तलवार की धार काफी तेज है, किसी माहिर कारीगर ने बनाया होगा यकीनन इसे। एक बेहतरीन तलवार दो धारी होती है और दो धारी तलवार मजबूत होती है, ठोस होती है, साल हर साल तक खराब नहीं होती। ये लीजिए अर्तुरुल साहब। अर्तुरुल साहब, हमें एक बहुत खास बात करनी है आपसे। इशाइये के बाद अगर आप मुनासिब समझे तो तन्हाई में एक मामला आपके गोश गुजार करना चाहूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, खाना तैयार है, तशरीफ ले आइए। तशरीफ रखिए। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اس دسترخوان کو ایسے ہی برکت عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ अंदर आ सकता हूं भाई? भाई आपसे बात करनी है। मेहमान मौजूद हैं, तुम वाकिफ नहीं हो अब्दुर्रहमान? मैं मुखिल होना नहीं चाहता था मगर बहुत जरूरी बात है। माजरत चाहता हूं जानदार साहब। क्यों शर्मिंदा करते हैं अर्तुरुल साहब? भाई खुशी हुई देखकर तुम्हें, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई। तुम्हारे हाथ में ये मकतूब? ये मकतूब सिमोन ने भेजा है, सुल्तान के महल में जो जासूस है उसके लिए। बहुत खूब तुर्कुत, ये मालूमात बहुत कारामद होंगी। बहुत शुक्रिया भाई। हम लोग इशाइये के बाद सराय पर हमला कर रहे हैं।
बहुत अरसे से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी थी मैंने भाई। मुझे इजाजत दीजिए वरना उन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। अल्लाह अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे आपको भी भाई। हमने अबू नक्काश से बात की थी, उसकी नीयत वाज़ह है, सुल्तान अलाउद्दीन को हुकूमत न करने देना और तख्त उलट देना, और इस मकसद के लिए इंतिशार और बदनज़मी की जरूरत है। अर्तुरुल जब अमांडा से जैसे मैंने हवाले किया था तफ्तीश करेगा तो उराल का क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका शुक्रिया बेटी, ये भुना गोश्त बहुत लजीज बना हुआ है। बहुत शुक्रिया जनाब। माजरत चाहता हूं जानदार साहब। माजरत की कोई जरूरत नहीं अर्तुरुल साहब, कोई परेशानी की बात नहीं होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं। दस्तरखान, हमारी शादियां और हमारे जनाजे सब एक है अर्तुरुल साहब।
तलुर साहब। उरार, आलियार। अर्तुरुल। वालिदा। अर्तुरुल। 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 हाँ, मेरा बच्चा। अर्तुरुल साहब, अर्तुरुल भाई। संभालिए खुद को। क्या हो गया अर्तुरुल भाई? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोले भाई। भाई भाई संभालिए खुद को, होश में है भाई। अर्तुरुल भाई, भाई होश में है भाई।
बच्चे को क्या हो गया? दूर हट जाइए, दूर हट जाइए भाई। बाबा आप ठीक हैं? इसकी भी बिल्कुल यही हालत थी। जहर, जहर दे गया इन्हें, अंदर लेकर चलो। जहर नहीं हो सकता। चलिए बिस्मिल्लाह। क्या ये बच जाएगा तो भाई? बिस्मिल्लाह मदद करिए।
मेरी, मदद करिए मेरी, हट जाइए, चलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी। आर्थर, भाई, इसहाक प्याला लेकर आओ। अभी लाया भाई। अर्थुर भाई, क्या हो गया है अर्थुर को? हाय मैं खातून, आप बाहर तशरीफ ले जाइए। हाय मैं खातून, आप लोग भी। आतुक साहब, जहर है क्या? कोशिश कर रहा हूं राल भाई, पता लगा लूंगा। मेहरबानी करके आप बाहर तशरीफ ले जाएं। आलियार, आ जाओ। अर्थुर, अर्थुर, नहीं, छोड़ दो मुझे, अर्थुर। इसहाक, या अल्लाह, इसहाक, क्या क्या भाई? तो भाई ये क्या है? जरूरी ने जहर दिया गया है इसहाक, शिफा खाने जाओ और दवाओं का बस्ता लाओ। अभी लाया भाई, अभी लाया। इस तकलीफ और धोखे का मदावा तुम्हारी मौत से ही मुमकिन है तुर्कुत। ऐसे कर्ब से मरोगे जिसे जिंदगी में कभी नहीं सहा होगा। कायनात के हर जर्रे का दर्द, ओलंपस की चोटी से लेकर जहन्नुम के इख्तिताम तक, आसमान की ठंडी और यह बस्ता सांसें इसमें शामिल हो जाएं। ये सब मेरे इस खंजर में रच बस जाए ताकि मरने से पहले जहन्नुम का नजारा करे वो। उस जहन्नुमी की लाश तक सड़ जाए
जंग के लिए तैयार रहो। अर्तुरुल की मौत की खबर सुबह तक हमें मिल जाएगी उस्ताद सिमोन। क्या जंग खत्म नहीं हुई अभी? याद रखो, जब तक इंतकाम लेने वाले सारे सिपाही जिंदा रहेंगे, तुर्को जब तक जिंदा रहेगा उस वक्त तक जंग खत्म नहीं होगी। उनका सरदार अर्तुरुल ही नहीं बचेगा तो वो मुट्ठी भर सिपाही क्या कर लेंगे? हम उनकी पेशकदमी के इंतजार में नहीं रुक सकते फिलिप। बाजार में चारों तरफ फैले हुए सिपाहियों को खबर करता हूँ, अपनी जिरा पहन ले और तलवारों को तेज कर ले, और उन्हें हिदायत दो कि चारों तरफ से घेर ले बाजार को। बाजार खतरे में है, अर्तुरुल के मरने तक हम सुकून से नहीं बैठ सकते। बिल्कुल तुर्कुत के आने पर तुम्हें क्या करना है जानती हो ना तुम? मेरे खंजर से जख्मी होने के बाद मौत की भीख मांगता फिरेगा वो, और मौत उसे इंतजार करवाएगी। तुम लोग यहां से बिल्कुल मत हिलना, यहीं पर ही पहरा देना है तुम्हें, समझ गए सब? भाई क्या हुआ भाई? धुंधार भाई, धुंधार भाई, अर्तुरुल भाई को क्या हुआ? मौत से लड़ रहे हैं वो। क्या कहा? मौत से लड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ है हमारे सरदार? क्या हुआ है हमारे सरदार? बताओ मुझे, भाई से आखिर कौन मिलने आया था? बताओ मुझे। तुर्कुत भाई आए थे भाई, उनसे मुलाकात हुई थी उनकी। तुर्कुत, ये क्या किया तुमने? कहाँ है वो? कहाँ है? तुर्कुत पे आप कैसे शक कर सकते हैं भाई? उसी ने किया है, उसी ने किया है ये। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुर्कुत ऐसा नहीं कर सकता। तुर्कुत कभी अर्तुरुल भाई से गद्दारी नहीं कर सकता। दुंदार भाई, हम सब ने मिलकर कसम उठाई थी, वो नहीं कर सकता भाई। तुर्कुत, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। भाई ऐसा ना कहे, तुर्कुत ऐसा नहीं कर सकता। तुर्कुत पर आप कैसे शक कर सकते हैं भाई? मेरा भाई अंदर मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, और तुम कह रहे हो कि किस पर शक करना है और किस पर नहीं? पागल हो गए तुम? कोई भी शख्स अंदर नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरे अर्तुरुल भाई को। उन्होंने इससे भी मुश्किल जंगें जीती हैं। अगर इस मामले में तुर्कुत सिपाही का हाथ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। खामोश हो जाओ कबीस। बंसी क्या कर रहे हो? अरे इसे जबान संभाल के बात करनी चाहिए थी। संभालो खुद को, इसने भी परेशानी में ऐसा कहा है। सांस बहुत हल्की चल रही है। जहर आलूद खून को फौरी तौर पर जिस्म से निकालना होगा, हिजामा करना पड़ेगा। ठीक है अर्तुरुल भाई, मैं सामान लाता हूं। ये लीजिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले तुर्तमिश और अब अर्तुरुल, ये हुआ कैसे आखिर? अगर खाने में होता तो हम सब भी मुतासिर होते। यकीनन मामला कुछ और लगता है। अब्दुल रहमान अंदर आया था और ये सब उसके जाने के बाद हुआ है। दंदार, कौन मिला था तुम्हारे भाई से आखिरी बार, मालूम किया? ढूंढ लूंगा उसे वालिदा, ढूंढ लूंगा। भाई के साथ जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं मुझसे। साफ जाहिर है कि फितना कबीले में मौजूद है बाबा। जिस किसी ने भी ये जहर दिया है वो जिंदा नहीं बचेगा। संभालो अपने आप को तुम। मेरा बेटा जिंदा है, जब तक उसकी सांसें हैं हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें खुद को संभालना है, पूरा कबीला हमारी तरफ देख रहा है। अर्तुरुल भाई को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ भाई, हमने तो सुना है कि वो जिंदगी और मौत की कश्मोकश में। बकवास करते हैं सब, सब बकवास है। अगर अब किसी ने ऐसा कहा तो मैं उसकी जबान काट डालूंगा, समझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऐ सारी इंसानियत के मालिक, इनके जिस्म को इस बीमारी से शिफा याब फरमा, क्योंकि तू ही है जो शिफा अता फरमाता है। तेरे सिवा कोई नहीं जो कामिल और बेहतरीन शिफा देने वाला है। इन्हें ऐसी शिफा अता फरमा कि बीमारी के आसार बाकी ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। बाबा ठंडे क्यों हो रहे हैं? बाबा, बाबा उठिए ना, बाबा, बाबा उठिए, बाबा आप ठंडे हो रहे हैं। बाबा ठंडे क्यों हो रहे हैं आप? बाबा उठिए मेरे साथ खेलिए, बाबा, बाबा उठिए, बाबा मुझे आपके साथ खेलना है, बाबा, बाबा, बाबा उठिए, मुझे खेलना है, बाबा, बाबा उठिए ना। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे बाबा? बाबा उठिए, मुझे खेलना है आपके साथ, बाबा उठ जाइए, बाबा उठ जाइए ना, बाबा उठिए, आपको ठंड लग जाएगी बाबा। कुंदूस मेरे बच्चे, बाबा को भी आराम करने दो। अर्तुरुल सरदार, चले गए हमें छोड़कर। कैसे जा सकते अर्तुरुल? सरदार की मैयत को शिफा खाने मुंतकिल करना है हमें। ऐसा आप कहें भाई। हमारे सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल शहीद हो गए हैं। ये नहीं हो सकता।